तो आज हम जाएंगे सूरत अडाजण से हजीरा। ट्रैवल विद विपुल में आपका स्वागत है और हम आज जा रहे हैं ट्रैवल विद विपुल में अडाजण सूरत से हजीरा तक का राइड है। आप यहां से जा रहे हो तो आपको यहां से अडाजण से ऑटो भी मिल जाएगी, सिटी बस की बस भी मिल जाएगी और आपको जो शटल रिक्शा है वो भी आपको मिल जाएगी, तो आप उसमें जा सकते हैं। एसटी डेपो से भी हजीरा की बस मिलती है आपको, तो उस वो भी आप जा सकते हैं, ले सकते हैं उसमें। ये जो बस स्टैंड है वो अडाजण का बस स्टैंड है और आप यहाँ से भी बस ले सकते हो अडाजण से हजीरा जाने तक, तो आपको यहाँ से बस मिल जाएगी और ये आप इसमें बैठ जाएंगे। आप पहली बार ये हमारा वीडियो देख रहे हैं ट्रैवल विथ विपुल में, तो आपका स्वागत है और आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सूरत और उसके आसपास के और गुजरात के वीडियो ट्रैवल में आपको मिल सके, आप देख सके। और लाइक भी ज़रूर कर देना ताकि हमको अच्छा लगे, और शेयर करना आप अपने दोस्तों के साथ, और आपके जो कुछ एडवाइस है तो वो भी आप कमेंट में शेयर करना ताकि हमको पता चले। तो अभी हम जा रहे हैं हजीरा तक। बीच में जो जो लैंडमार्क आते जाएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। ये सरदार ब्रिज है जो कि बहुत अच्छा ब्रिज है, तापी नदी के ऊपर का सरदार ब्रिज जो अडाजण और अठवा गेट को कवर करता है, अडाजण और अठवा गेट। सूरत से हजीरा ऐसे 22 किलोमीटर से 22 किलोमीटर सूरत से हजीरा का रास्ता, और आप बस में जाते हो तो 30 से 35 मिनट लगता है उसमें। आप ऑटो से भी जाते हो तो इस पर भी इतना ही टाइम लगेगा। बाय रोड जो है वो रोड अच्छा है, तो आप 30 से 35 मिनट में आप जा सकते हैं। और मैंने पहले जैसे बताया कि अडाजण से आपको बस मिल जाएगी, ऑटो भी मिल जाएगी। आप रेलवे से आते हो ट्रेन से, तो आप रेलवे स्टेशन से आप ऑटो लेके चौक होके आप अडाजण बस डिपो तक आ जाना, जो कि बस डिपो तापी नदी के तुरंत ही बाद में ही आ जाता है क्रॉस करके। तो आप अडाजण बस डिपो पे आ जाओ और वहाँ से आपको बस मिल जाएगी, या आप ऑटो पे भी आ सकते हो तो ऑटो भी मिल जाएगी। और आप सिटी बस से आओगे तब भी आप वहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे स्टार बाजार है, बढ़िया स्टार बाजार। ये वाला स्टार बाजार है और आप देख रहे हो ब्यूटीफुल ग्रीनरी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अच्छा रास्ता है, बहुत बढ़िया डेवलप्ड है, ऐसे तो गांव से जा रहा है लेकिन बहुत अच्छा है। ये डेविला रेस्टोरेंट आपको जाना है तो यहाँ से अंदर जा सकते हैं आप। डेविला रेस्टोरेंट गार्डन रेस्टोरेंट है।
काठियावाड़ी पंजाबी चाइनीज खाना हो तो आप विशाला गार्डन रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। इच्छापुर एरिया है और इच्छापुर का इंडस्ट्रियल एस्टेट है, ये राजौर टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल एस्टेट है, आरजेडी इंडस्ट्रियल एस्टेट है और अंदर भी एक दूसरा भी एक साइन टेक्सटाइल पार्क है। तो आप यहाँ से अंदर जाएंगे तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। आप बॉम्बे से आ रहे हो तो आपको सूरत के अंदर नहीं जाना है, लेकिन पलसाना से आप आओगे तो पलसाना से सीधा हजीरा रोड आपको मिल जाएगा, वो सीधा हजीरा तक आ जाएगा, तो आप उस रास्ते पे आ जाना। साइड पे हाईवे पे जाएंगे तो आप पलसाना तक पहुंच सकते हैं। सचिन पलसाना जाने के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ से हम राइट हैंड साइड जाएंगे तो सायन ओलपाड की उस साइड पे जा सकते हैं और हम अभी सीधा हजीरा तक जाएंगे। आप दिल्ली की ओर से आ रहे हो तो आप पलसाना से भी आ सकते हो, सीधा पलसाना तक भी आ सकते हो, लेकिन उसमें आपको दो टोल प्लाजा लगेंगे। इससे अच्छा है कि आप कीम क्रॉस करो, कीम पिपोद्रा जो सूरत से पहले आता है, कामरेज से पहले आता है, तो वहाँ से आप राज होटल है, राज होटल के पास से आप जो सैंड शुगर फैक्ट्री है वहाँ उस रोड पे चले आओगे तो वहाँ से राइट हैंड साइड से तब आप आ सकते हो तो सीधा आप सूरत रिंग रोड होके ओलपाड़ रोड होके आप सीधा हजीरा तक आ सकते हो। तो आपका टोल टैक्स बच जाएगा जो कि कामरेज टोल प्लाजा और भाटिया टोल प्लाजा हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे के ऊपर कामरेज टोल प्लाजा भी लगता है और फिर पलसाना हजीरा हाईवे पे भाटिया टोल प्लाजा लगता है, तो वो दोनों नहीं आपको लगेंगे। तो आप अहमदाबाद और दिल्ली से आ रहे हो, राजस्थान से आ रहे हो, तो आप उस रास्ते का आप उपयोग करना। पूरे इंडिया में से ट्रांसपोर्ट सर्विस आती है, सभी जगह से आती है और जाती है यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन, ट्रक और लॉरीज, कंटेनर्स, बड़े बड़े कंटेनर्स यहीं से जाते हैं, बाई रोड भी जाते हैं, बाई ट्रेन भी जाते हैं और अभी तो बाई एयर भी कार्गो शुरू हुआ है, तो कार्गो में भी अब तो यहाँ से सब कुछ मटेरियल एक्सपोर्ट होता है। यहाँ से अंदर रिपोक
का प्लांट है। कंपनी है इनको जो फर्टिलाइजर खातर मिलता है वो यहाँ पे बनता है, यूरिया और बहुत सारे क्रिपको में बनते हैं। और इसकी जो टाउनशिप है वो यहाँ पे राइट हैंड साइड में है, क्रिपको टाउनशिप, जो कि बहुत अच्छे टाउनशिप है क्रिप्टो की टाउनशिप भी। तो आपको क्रिप्टो आना हो तो भी आप अड़ाजड़ से आ सकते हो, रेलवे स्टेशन से आप चौक होकर अड़ाजड़ जाना और वहाँ से आप अड़ाजड़ से बाई एसटी बस या बाई ऑटो बाई शटल रिक्शा आप आ सकते हो। GSPCL, L&T, Cripco, ONGC, SR, Reliance, सभी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं यहाँ पे। यहाँ पे राइट में जो NTPC का टाउनशिप है और यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड पे NTPC का पूरा प्लांट है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का पूरा प्लांट है यहाँ पे।
देखा अभी तक कि हजीरा में तो बहुत सारी इंडस्ट्रियल एस्टेट है, बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ हैं, और हजीरा एक बहुत बड़ा पोर्ट भी है, एसआर का पोर्ट है, एसआर की जेटी है और एलएनटी का भी है। और वहाँ से जो, क्योंकि हजीरा जो है वो तापी नदी का जो एंड पॉइंट है वहाँ पे बसा हुआ है, और वहीं से अरेबियन सी को मिल जाती है तापी नदी, तो वहाँ पे बहुत बड़ा पोर्ट है। और इसकी वजह से जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है तो वो पोर्ट का भी बहुत यूज़ करती है, जो भी, जो कि ONGC है, LNT है, SR है, क्रिपको, फिर गेल, GSEC पावर प्लांट, GSPCL, अल्ट्राटेक सीमेंट और रिलायंस फैक्ट्री, ऐसे बड़ी बड़ी बहुत सारी फैक्ट्री हैं, तो वो पोर्ट का भी यूज़ करते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद से दूसरा भी एक बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया सा एक जो ट्रांसपोर्टेशन का रास्ता निकाला है वो रोरो फेरी सर्विस है। रोरो फेरी सर्विस के बारे में आपको मैं बता दूं कि जब से ये रोरो फेरी सर्विस शुरू हुई है, हजीरा से शुरू हुई होकर वो जाती है हजीरा से गोगा, जो कि सौराष्ट्र में है भावनगर के पास, तो पहले वो डिस्टेंस था अबाउट 400 किलोमीटर्स, 400 किलोमीटर सूरत से होके आप भावनगर पहुंचना हो या गोगा पहुंचना हो तो 400 किलोमीटर लगते थे। लेकिन ये फेरी सर्विस शुरू होने से ये रास्ता बहुत कम हो गया है, अब वो सिर्फ 60 से 90 किलोमीटर तक का ही वो बाई सी, मतलब रोरो फेरी सर्विस में हम जा सकते हैं। तो उससे टाइम भी बचता है, क्योंकि उसमें जो पहले जो टाइम लगता था वो सूरत से भावनगर पहुंचने में 12 घंटे लगते थे, लेकिन अब रोरो फेरी सर्विस की वजह से हम सिर्फ 4 घंटे या 4.5 घंटे में हम भावनगर पहुँच सकते हैं। तो ये रोरो फेरी सर्विस शुरू होने से बहुत फ़ायदा हो गया है। पहले ये रोरो फेरी सर्विस सिर्फ चलती थी दहेज से गोगा, लेकिन अब हजीरा से जो चल रही है उसकी वजह से बहुत फ़ायदा हुआ है। और उसमें हम ऐसा नहीं कि पैसेंजर ही जा सकते हैं, पैसेंजर जा सकते हैं, मोटरसाइकिल जा सकती है, ट्रक जा सकती है, कार जा सकती है, तो हम कैसे भी वहाँ तक अच्छी तरह से पहुँच सकेंगे। और ऐसे पहुँच सकेंगे तो उसका भी बहुत, जो फ्यूल बचता है उसका भी फायदा है, फिर जो टाइम बचता है वो भी फायदा है, और पैसे भी बचते हैं, तो इसी हिसाब से बहुत अच्छा फायदा है। उसमें 500 तक कार जा सकती है और ट्रक जो है वो 500 जा सकती है, 30 स्मॉल ट्रक जा सकती है, मोटरसाइकिल जा सकती है, 300 मोटरसाइकिल जा सकती है, तो वो बहुत अच्छा ये रास्ता निकाला है और उससे बहुत फ़ायदा भी होता है। तो रोरो फेरी सर्विस का फ़ायदा ज़रूर से लेना। हजीरा से निकलती है ये रोरो सर्विस, ये रोरो सर्विस का टर्मिनल भी है, और वो गोगा तक जाता है। सुबह में 8 बजे एक निकलती है और गोगा से रिटर्न आने के लिए दोपहर को 3 बजे यहाँ से मिलती है। उसका जो टिकट का प्राइस है वो 525 से लेके 1500 तक का है, अलग अलग जनरल एग्जीक्यूटिव और लॉन्च क्लास है, और कार के लिए 1200 है, 1200 से 1350, मोटरसाइकिल का 350, ट्रक का 7500 से 15000 तक का, और बस का 5000 तक का, और टेम्पो ट्रैवलर्स का 4 से 5000 तक का उसका फेयर लगता है। तो उसमें भी, इसका भी आप फायदा ले सकते हो, ये रोरो फेरी सर्विस। और दूसरी भी एक सर्विस शुरू हुई है सूरत से दीव तक, तो सूरत से दीव तक भी बहुत अच्छी सर्विस है, वो क्रूज़ की सर्विस है और वो नाइट क्रूज़ है। मंडे को रात को शाम को सूरत से निकलती है और ट्यूसडे को सुबह में वहाँ पहुँचती है, वो क्रूज़ सर्विस है, और ट्यूसडे को फिर से रिटर्न शाम को निकलती है और वेनसडे को शाम सुबह में यहाँ पे पहुँचती है। उसमें भी आपको बहुत एंजॉय करने को मिलेगा, तो उसका भी आप फ़ायदा लीजिए। तो आप, अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं, तो तब तक के लिए धन्यवाद। तो अभी हम यहाँ पे रोरो फेरी सर्विस टर्मिनल,
जो कि अदानी पोर्ट पे है, वहाँ पे हम पहुँच गए हैं। और हमारा ये पूरा जो ट्रिप था अडाजन से हजीरा तक का, वो ख़त्म हुआ है। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना और बेल आइकॉन का दबा देना। और हम फिर से दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।